अभी पूरा वाइट बादलों में ढका हुआ है, काफ़ी फैसिनेटिंग से लग रहा है दिखने में। और वैष्णवी उद्धारी, थैंक यू अंकल, जितना देखो उतना कम। जो भी पहाड़ है ऊपर, सूरज जो अपना ऑरेंज और रेड का जो ऑरा फेंक रहा है ना, जो अल्टीमेट लग रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय रवि और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज है संडे, तो मैंने सोचा कि आज संडे राइड की जाए, तो मैं अकेला ही हूँ, आज मैं सोलो राइड कर रहा हूँ। वैसे अभी मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैं अभी जा रहा हूँ शोगी, शोगी में तादेवी टेम्पल है, वहाँ जा रहा हूँ। वो बहुत सुंदर मंदिर है। वैसे पीछे आपने रिव्यू देख रहे हो, बहुत ही सुंदर हो रखा है व्यू। तो सोचा इस व्यू का, इस मौसम का फ़ायदा उठाया जाए। तो वहाँ सामने खड़ी है मेरी बाइक, तो चलिए आपको मिलते हैं अब मोटर ब्लॉग में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये है आज का हमारा व्यू। तो आप देख सकते हो कितना ही सुंदर लग रहा है, मतलब एक नंबर। अगर आप हिमाचल आना चाहते हो तो आओ, सर्दियों में आओ और बरसात के मौसम में आओ। सर्दियों में आपके पूरे पहाड़ सफेद दिखेंगे और बरसात में आपको ऐसे ऐसे सिनेमेटिक व्यूज़ दिखेंगे। ओके एवरीवन, तो अभी मैं मंदिर पहुँच गया हूँ। यहाँ पीछे पार्किंग में मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी है, तो मंदिर जा रहा हूँ। और ये है मेरे सामने कुछ व्यू जो आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर, एक नंबर। चलो अब मंदिर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं मंदिर कैसा है। समझ रहे हो आप, भंडारा। एवरीवन, ये मेरे पीछे मंदिर है, फेमस तारदेवी माता के मंदिर। यहाँ पे वैसे सारी मन्नतें पूरी होती है, आप जो भी मन्नतें मांगते हो यहाँ सब मन्नतें पूरी होती है। और ये है मंदिर, अभी पूरा वाइट बादलों में ढका हुआ है, काफ़ी फैसिनेटिंग से लग रहा है दिखने में। और ये पेड़ जिसमें बहुत सारी चुन्नियाँ मतलब बांधी हुई है, जो भी मतलब मंदिर का सामान, पूजा का सामान लेके आते तो माता जी को जो चुन्नी चढ़ती है वो यहाँ पे लोग बांधते हैं। बहुत सुंदर है दिखने में ये। और ये मंदिर का फ्रंट सामने से, वैसे वहाँ सामने से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है ज़्यादा, तो मैंने माथा टेका और मैं आ गया। अब मैं आपको यहाँ के आसपास का व्यू दिखाता हूँ, जो कि एक नंबर व्यू है, जिसको देख के आप भी बोलोगे कि हिमाचल होता ऐसा हो, आपको भी आना चाहिए। ये मेरे सामने पीछे शिमला है, शिमला, ये शिमला का पंथाघाटी वाला एरिया है। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। और ये हमारा सामने चूड़धार, वो लास्ट में पहाड़, लास्ट में दिखती पहाड़ चूड़धार की, वो अपना चूड़धार है। और ये सामने एक नंबर व्यू है, जैसे मैंने कैमरा मूव किया बच्चे ने नाचने बंद कर दिया। A few moments later. तो अब मैं जा रहा हूँ सारी माता के मंदिर, मतलब माता जो हमारे तारदेवी माता है उस मंदिर के साथ है परे को, मतलब उसके बैक साइड में। तो अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, मतलब ये मान्यता है कि जब तुम यहाँ मंदिर में हो तो वहाँ जाना भी कंपलसरी है, तो ये मान्यता है। वो भी बहुत सुंदर मंदिर है,
वो भी वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी माथा टेकते हैं, माता जी के लेते दर्शन, और वहाँ से शोकी का व्यू एक नंबर आता है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, और मुझे बताना आप लोग कैसा लगा। इस जगह पे नवरात्रों में 9 दिन का मेला लगता है मंदिर में, और ये है वो जगह, यहाँ पीछे हमारे मंदिर है, और ये जगह जहाँ पे मतलब मेला लगता है, और वो ऊपर आपको मंदिर दिख रहा है वो है हमारा दूधाधारी माता का मंदिर। तो फाइनली मैं दूधाधारी माता के मंदिर पहुँच गया हूँ, वैष्णवी दूधाधारी, ओके सॉरी वैष्णवी दूधाधारी, थैंक यू अंकल, अंकल जी ने मुझे किया करेक्ट, वैसे मुझे पता नहीं था सही नाम कि ये सामने मंदिर है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था पहले कि यहाँ पे नीचे शोकी का व्यू एक नंबर है, मैं आपको दिखाता हूँ शोकी, ये देखिए नीचे शोकी सामने, बहुत ही सुंदर नज़ारा एक नंबर, और ये बीच में बादल कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। ओके एवरीवन, तो अभी मैंने दर्शन कर लिए हमारे वैष्णवी दूधाधारी माता मंदिर और हमारे तारा माता मंदिर के, तो मैं जा रहा हूँ भंडारा खाने आज, यहाँ बस यहाँ हर संडे को होता है भंडारा, और हर संडे को ही बड़े लोग जो VIP लोग होते हैं वो यहाँ पे भंडारा स्पॉन्सर करते हैं। वैसे जो आज का भंडारा हमारा वो हमारे जो शिमला के SDM है और जो उनके छोटे भाई है उन्होंने दिया है। तो ओके एवरीवन, अब मैंने भंडारा भी खा लिया है और दर्शन भी अच्छे से कर लिए, तो अब मैं जा रहा हूँ वापस, तो अब मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉग में। वैसे मुझे बताना आपको कैसा लगा मंदिर, वैसे मंदिर बहुत सुंदर है, इसके आसपास का व्यू एक नंबर, इसका कोई जवाब ही नहीं है, और अब जब भी यहाँ आओगे ना खुद को शांति से, आप जब मंदिर आओगे तो यहाँ से प्रसाद जरूर लेके जाना, अनिवार्य प्रसाद देना अनिवार्य। चलने के बाद मैं पहुँच गया अपने बाइक के पास, ये है मेरी बाइक, वैसे मेरे पास लॉक है तो मैं अपना हेलमेट बाइक में लॉक कर देता हूँ, और जो मेरा माउंट है फ़ोन होल्डर का मतलब फ़ोन लगाने का वो ये इसमें लगता है पेच, वो मैं निकाल के साथ में लेता हूँ ताकि चोरी का सीन ना रहे कोई। और ये बाइक खड़ी है, और ये परे सामने देखो पार्किंग कितनी, इन सारी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये सामने व्यू तो एक नंबर, जितना देखूँ उतना कम है। वैसे यहाँ पे आज क्राउड बहुत कम है, वैसे मैक्सिमम संडे के बहुत ज़्यादा होता है क्राउड, बहुत ज़्यादा। आते मैं अभी यहाँ पे शोगी के बाज़ार में रुका था, तो यहाँ पर ट्रैक है, ट्रैक में आया था मैं, तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा व्यू दिखा, मतलब लोकेशन बहुत ही अच्छा, जो मेरे पीछे आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जो सन दिख रहा है बादल बीच में एक नंबर, दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा हमारा सन, और अब देखो क्या ही एक नंबर व्यू है, भयंकर चीज़ ये देखो, ये वाइट फ्लावर, और ठीक साथ में ऊपर को हमारा ये हो रहा है सनसेट। तो मैं अभी यहाँ कंडाघाट में रुका था, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का सनसेट जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अब देखो आप कितने सुंदर नज़ारा है ये, ओह एक नंबर ना, जितना देखो उतना कम, जो भी पहाड़ है ऊपर सूरज जो अपना ऑरेंज और रेड का जो ओरा फेंक रहा है ना, जो अल्टीमेट लग रहा है अल्टीमेट, थोड़ा जूम करते, ओके अब देखो आप
A few moments later. Okay everyone, तो मैं घर पहुंच गया हूं। अब समय है ब्लॉग को अंत करने का। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते किसी और ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।